नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रॉक्स मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स, इसमें हमने पढ़ा था रॉक क्या होता है और टाइप्स ऑफ रॉक्स क्या होते हैं। आज हमें पढ़ना इग्नियस रॉक क्या होती है। यू नो दैट डीप डाउन इनसाइड द अर्थ इट इज स्टिल वेरी वेरी हॉट। कहते हैं कि आपको पता होगा अर्थ के बिल्कुल नीचे बहुत ज़्यादा गर्म होता है। द फेरी हॉट सबस्टेंस इन साइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। जो हॉट सबस्टेंस अर्थ के नीचे रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा। इन अ वोल्केनो द मैग्मा पोर्स आउट इन अ मोल्टन स्ट्रीम। द मोल्टन स्ट्रीम एंड कूल्स एंड सॉलिडिफाइज फॉर्म्स अ रॉक। कहते हैं कि जब एक वोल्केनो इरप्शन होता है, जब ज़मीन फट जाती है, तो वो बाहर आ जाता है और फिर क्या हो जाता है, उससे जब वो कूल हो जाता है तो उससे क्या बनता है, रॉक। जो अब किससे बनता है, फेरी हॉट मैग्मा से जो रॉक बनता है उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। तो जो मैग्मा होता है वो किसका मिक्सचर होता है, डिफरेंट मिनरल्स का। दीज मिनरल्स ऑकर इन डिफरेंट पोर्शन, सो इग्नियस रॉक्स कंटेन डिफरेंट मिनरल्स, ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट। कहते हैं जो इग्नियस रॉक है वो क्या करता है, डिफरेंट तरह के मिनरल्स होते हैं उसमें, फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट। ग्रेनाइट क्या होता है, ग्रेनाइट होता है एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ये भी इग्नियस रॉक होता है। देयर आर सर्वल टाइप्स ऑफ ग्रेनाइट बट आल, कहते हैं बहुत तरह के ग्रेनाइट होते हैं बट सारे क्या होते हैं, लाइट कलर, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मिनरल्स। तो जो भी टेम्पल्स है साउथ इंडिया में वो किससे बने हुए हैं, ग्रेनाइट से। दूसरा बेसाल्ट, ये भी एक तरह का इग्नियस रॉक है जो लावा से बनता है। ये मगर कैसा होता है, डेंस और हार्ड, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, जो इसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, डेंस और डार्क। Often quick cooling, it is fine granite because of its quick cooling. Igneous rock tend to be very hard when broken out. They make a good strong road surfacing material, especially when coated with tar. कहते हैं igneous rock क्या होता है, road बनाने के काम आता है, क्योंकि इसकी क्या होती है, ये जल्दी से ठंडा हो जाता है और बहुत hard हो जाता है। कल हम पढ़ेंगे sedimentary rock क्या होता है।